Ah, mas hoje ele é que se der. Ele tá aí, sorry. साहब आठवाड़ी बाजार जी एक दो अपने गांव के हिसाब से जो है काम के मुद्दे है थोड़ा सा दिल लगा के अगर सुन लिए तो उस पर सबके सब अपना अपना मत भी दे सकते करके क्या है। सबसे पहला ये है कि आठवाड़ी बाजार जो है अपना सर इसके साथ में अपना क्या एग्रीमेंट हुआ हुआ है, क्या करारनामा कौन सा वो टाइम में हुआ हुआ है और कैसा अपन करारनामा इसको लगाते हैं, क्योंकि मसला क्या है सर कि पिछले कई दिनों से हफ्तावारी बाज़ार में से शिकायतें बढ़ गई, समझो तकरार आ रही जो है तो उनकी अपने व्यापारियों की बाज़ार में जो छोटे मोटे पान का भी टोपला अगर किसने लगाया तो उससे भी 50 रुपये 60 रुपये यानी बेकायदेसर वसूली कैसी, जबकि पंचायत ने ठहरा के उसको अगर पंचायत अगर वसूल करेंगी आठवाड़ी बाज़ार तो पंचायत को उसका जो पावती पुस्तक रहता वो देना पड़ता। अपन सामने वाले को अपन ने हर राशि में दिए तो उसके साथ में एग्रीमेंट में उसको कंडीशन लगाना पड़ेगा ठीक क्या रिसिप्ट नहीं ठीक है नहीं सर अपन ने क्या लगाया अभी उसको तो उसमें रिसिप्ट जो है तो उसकी देना उसकी जिम्मेदारी है। मसला क्या हो जाता अब ये 3 दुकानदार बैठे हुए हैं, मेरे से ले लिया 20, किससे ले लिया जो है तो 40, किससे ले लिया 60, ये आंकड़े बहुत कम है। आठवाड़ी बाजार अपन देखेंगे तो एक गन्ने की भी गाड़ी अगर किसने लगाया तो बाहर गांव वाले भी शिकायत कर रहे कि हमारे से 150-300 रुपये जो मन में आया वो लेते रहता। तो इसमें क्या है ग्राम पंचायत की नाहिली, ग्राम पंचायत की कमजोरी, ग्राम पंचायत का जो है तो ये प्रोटोकॉल जो है सिस्टम जो है इससे वो कमजोर दिखता लोगों को कि ये कैसा मनमानी वसूल कर ले रहा। इसलिए ऐसे काम नहीं होने को होना बोल के आठवाड़ी बाजार की वसूली का जो नियम है तो ग्राम पंचायत ने वो नियम के हिसाब से उस पर फी बिठाने को होना, ना कम ना ज्यादा, ये मर्यादा उसमें रखना पड़ेगा ये नियम के अंतर्गत। अब वो नियम है आठवाड़ी बाजार का करारनामा। अब अपन ने अब करारनामा अपन ने अगर किए तो करारनामा जो है फी सेटअप ग्राम पंचायत एग्रीमेंट जो अपने को करना है एग्रीमेंट जो है ये एक्ट 1960 मैं हिंदी में बता देता करके कि ये अधिनियम 1960 सेक्शन 126 कलम 126 उसके बाद में सब सेक्शन 1 और 10 इसमें खुली खुली तरतूद है कि आपको अगर करारनामा करना पड़ेगा सामने वाले जिसको भी दे रहे अपन काका जो है तो अपने समझो जो भी अपना हराशि में ले रहा करके। और ये अपन इसलिए बात कर रहे हैं कि अपने गांव वालों को जो तकलीफ हो रही है अभी और जिसको तकलीफ हुई और वो अपने पास में आ नहीं सकता कि जरा सी बात कहाँ से लेके जा तो उसके दिल में शंका नहीं जाने को ना करके कि पंचायत उनके तरफ गौर नहीं कर रही करके नहीं। तो मैं क्या बोलता ये जो नियम है एग्रीमेंट का रूल एक्ट 1960 इसका कलम जो है 126 सबसेक्शन 1 और 10 इसके अंडर में तुम्हारा अगर करारनामा किया हुआ है इससे पहले अगर के पावती देना पड़ेगा और वो उसका पालन नहीं कर रहा करारनामा अपन अभी रद्द कर सकते हैं उसका अभी यहाँ पर अभी एक ठहराव लेके एक रेजुलेशन ला के उसकी बुनियाद पर अपन उसका करारनामा रद्द कर सकते हैं। उसको फिर डायरेक्ट अपने से कोई संबंध नहीं हो जाएगा कोर्ट में वो देख लेंगे क्योंकि जो रिसिप्ट देना चाहिए था करारनामे में जो नॉन वेल लला है वो ही नहीं दिया उसने। और उसमें कैसा है सर्वसाधारण सामान्य नागरिक जिसके पास में बेचारे कि अगर एक बेल भी अगर पान की रही उसने वो 4-5 भी तोड़ के ला के अगर उसकी दुकान मंडा और हद कहाँ तक की आठवाड़ी बाजार की हद के बाहर बैठने वालों से भी जो है तो वो वसूली करता जो तो और वसूली नहीं जबरन वसूली बोला जाएगा उसको। उसके बाद में 1-2 प्रकरण में जतरा बाजार का जो प्रकरण आया था कि जतरा बाजार में भी ऐसी तकलीफ थी तो वो 2-3 यहाँ पर व्यापारी आए थे तो उसको फोन लगा के मेरे पास में रिकॉर्ड है फोन का उसकी भाषा देख लीजिए उसकी भाषा कैसी है करके। और ये भाषा इसलिए है क्योंकि अपन जो है तो कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे इसलिए ये करने की जरूरत है।